सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आज है शिवरात्रि का फास्ट मेरा, और आप लोगों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी प्यार इस YouTube फैमिली को। और गाइज मैं बहुत टाइम बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ, तो अभी भी मेरा फ़ोन, मैं ब्लॉग शूट इतने दिन से क्यों नहीं कर रही थी इसका रीज़न मैं आप लोगों को बताऊँगी, बट अब थोड़ा सा बता देती हूँ फ़िलहाल क्या प्रॉब्लम चल रही है। फ़िलहाल यही प्रॉब्लम चल रही है कि मेरा जो फ़ोन है वो टूट गया था और उसका फ्रंट कैमरा काम नहीं करता, तो इसकी वजह से मेरा मन बहुत ही कम करता है वीडियो शूट करने का। बैक शूट करती हूँ थोड़ा बहुत वीडियो, तो चलो काम चल जाएगा, लेकिन कोशिश करूँगी कि डेली छोटी छोटी क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और आज यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ है, क्योंकि यहाँ पे जिस जगह मैं रहती हूँ, हम लोग रहते हैं ना, वहाँ पे यही है सबसे बड़ा प्राचीन शिव मंदिर, तो सभी लोग इसी मंदिर में आते हैं। एक और भी मंदिर है सत्यनारायण भगवान जी का, बट वहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं। ये शिव जी का मतलब फेमस मंदिर है यहाँ का। तो चलिए, और ये आपने देखिए मेरी पूजा वगैरह हो गई है, तो फिर मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा बैक कैमरे से ही। और ये देखिए, ये आ गए हम शिव महापुराण मंदिर जो मटोर के अंदर ही है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा मंदिर है, मैं हर और मैं थोड़ा सा सामान लेके आई हूँ, ये देखिए फ्रूट्स, बाकी सब यहाँ से मैं सारा मतलब सुच्चा सामान होता है ना वही सामान लेंगे। छोटी सी शॉप है जहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, तो चलिए ले लेते हैं सामान। और ध्रुव को मैं साथ नहीं लेके आई क्योंकि ध्रुव सोया हुआ है। ये छोटी सी शॉप, दोनों कर दिए? हाँ पत्ते फूल हैं 10 के। ओके ओके, सिर्फ फूल फूल 10 ही जगह, पता नहीं पता तो दे दिया बिस्तर। आ जाना भैया, और क्या चाहिए होता है? और क्या चाहिए होता है? पार्वती माता का श्रृंगार चाहिए होता है। अच्छा, चुन्नी चाहिए होती है, बाकी होती है। ये कितने का भाई? इसमें छोटा भी आता नहीं क्या? छोटा? हाँ हाँ, पर उसमें आइटम नहीं होते ना, इसमें जो आप छोटा आता है उसमें खाली खाली डिब्बे होते हैं। ये देखो, और यहाँ पे आप लोगों को मैं बता देती हूँ, टाइम हो चुका है सुबह के 7:30, और देखिए फ्रूट्स की रेडी आज अंदर ही लगा के रखी है। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि घर पे भूल जाते हैं, नहीं लेके आते सुबह सुबह, तो यहाँ से लेके आराम से मंदिर में चढ़ा सकते हैं। और देखिए 7:30 का टाइम हो चुका है और अभी से इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, तो आप देखें अंदाज़ा लगा सकते हो। और यहाँ पर मैंने रियल वॉइस को म्यूट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर इतने प्यारे प्यारे भजन आरतियाँ सब चल रही थी, तो फिर मैंने सोचा कहीं कॉपीराइट ना आ जाए इसकी के डर से, तो बीच बीच में आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत म्यूट वॉइस करके सुनाऊंगी, और थोड़ा बहुत मैं आप लोगों के वॉइस के साथ भी ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए गाइस, ये शिवलिंग बाहर है, तो बाहर भी इतनी ज़्यादा भीड़ है, और जो मेन है शिव जी भोलेनाथ का मेन जो मंदिर, छोटा सा एक और है कोने में, वो उस जगह तो इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा, और ये बाहर की साइड है, तो आप लोग देख सकते हो 7:30 बजे भी इतनी ज़्यादा भीड़ है। और मैं इसलिए जल्दी आई थी क्योंकि ध्रुव सोया हुआ था, तो मैंने सोचा चलिए जल्दी से मैं मतलब मंदिर जा के आती हूँ, क्योंकि बाद में थोड़ा सा लेट उठेगा, लेट जाऊँगी तो ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। और यहाँ पे ये देखिए इस तरह से ये समाधियाँ हैं, और इन पे फूलों के मतलब हार चढ़ा के रखे हुए हैं। और गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को भीड़ दिखाऊंगी, देखिए लाइन कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, जो कि अभी मुझे लाइन में लगना है। और ध्रुव मेरा सोया हुआ है, मेरे को ऐसे डर था कहीं बीच में ना उठ जाए, और वैसे तो मैं आंटी अंकल को बोल के आई हूँ ध्यान रखेंगे,
और ये देखिए कितनी लंबी लाइन है, और लाइन बहुत लंबी थी लेकिन दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए भोलेनाथ के, और इतने अच्छे से दर्शन हुए कि मन को इतना सुकून मिला, इतना अच्छा लगा। और यहाँ पे अभी बस जल्दी से मतलब पूजा हो जाए उसके बाद फिर मैं आप लोगों को मिलाती हूँ ध्रुव से घर जाके, क्योंकि ध्रुव सोया हुआ है। और ये देखिए बाहर का व्यू कुछ और यहाँ पे अभी मैं जल्दी से लाइन से मतलब निकल के लेके आई हूँ पानी का जो लोटा है वो, क्योंकि मैं ना जब आई थी तो उस टाइम मैं नहीं लेके आई, मैंने सोचा बिल्कुल पास में जब आ जाऊँगी ना तब लेके आऊँगी, और इतनी दूर तक पानी का लोटा लेके आऊँगी तो फिर सामान और भी था तो साथ में हैंडल नहीं कर पाऊँगी। और गाइस ये देखिए बाहर से कितना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है ना बलून से, और इस मंदिर में मतलब कभी भी आओ इतना ही अच्छा डेकोरेट किया होता है, कोई भी फेस्टिवल होता है तब, और ऐसे भी जैसे कोई बड़ा फास्ट वगैरह होता है तब भी, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब रौनक लगी हुई है। और आप देख सकते हो मतलब ज़्यादा लेट नहीं है, अभी इतना जल्दी है तब भी इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है इस मंदिर में, सभी लोग आए हुए हैं, सभी लोग हर किसी कास्ट के लोग यहाँ पे आए हुए हैं मंदिर में, ये कोई जरूरी ये नहीं है कि स्पेशल किसी कास्ट के लिए है ये मंदिर। और मेरे पीछे भी देखिए कितनी लंबी लाइन लग चुकी है। तो बस आज तो पूरा दिन ऐसे ही रहने वाला है, और कई बार यहाँ पे लंगर वगैरह भी लगता है। तो गाइज ये है मेन मंदिर जो बाबा भोलेनाथ का, और यहाँ पे सभी लोग मतलब इतने अच्छे से पूजा कर रहे थे, थोड़ी सी भीड़ थी तो थोड़ी सी जल्दबाजी थी, तो इस चक्कर में मैं ज़्यादा तो नहीं आप लोगों के बस थोड़ा बहुत दिखा पा रही हूँ। और ये है मंदिर से बाहर मतलब सभी लोग इस तरह से दिए वगैरह हो गए और जो अगरबत्ती वगैरह हो गई तो वो सभी बाहर लगा रहे थे, क्योंकि अंदर इतनी देर तक पूजा करने के लिए किसी के पास से मतलब टाइम नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है इतना अगर बैठ के वहाँ पे पूजा वगैरह करें, तो इसलिए ये बाहर लगाया हुआ, ये सबसे अच्छा लगा मेरे को। और यहाँ पे और एक और ये शिवलिंग जो बाहर बनाया हुआ है, तो यहाँ पे आंटी जी ये साथ साथ में सफाई कर रहे थे मंदिर में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूल वगैरह ऐसे लगा रखे थे तो बहुत ज़्यादा एक ऊपर से अलग से परत बन गई तो उठा के रख देते साइड में, ताकि और भी भक्त जन सारे अच्छे से मतलब पूजा कर सके। और ये देखिए कितना सुंदर सजा के रखा हुआ बाहर इस तरह से, बहुत ही प्यारा मेरे को अच्छा लगा ये सजाया हुआ। तो इस तरह से गेंदों की मतलब माला बना के लगा रखी थी। और यहाँ पे मैं बस थोड़ा सा कर रही हूँ अपने आप ही वीडियो शूट, क्योंकि मेरा फ्रंट कैमरा तो हो चुका है खराब। और यहाँ पर हर किसी को मिल रहा था प्रसाद, केले मिले थे मुझे और दूध मैंने लिया, यहाँ पे दूध पिया है मैंने थोड़ी देर बैठ के, और दूध बहुत अच्छे से बनाया हुआ था, लगभग मतलब सभी लोग वहाँ पे पी रहे थे दूध, जो जिन्होंने भी फास्ट रखा है उनके लिए भी स्पेशल बनाया हुआ दूध। आई थी मैं 7:30 बजे आ गई थी, उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी,
तो भीड़ तो पता ही है, सबसे बड़ा मतलब मंदिर है यहाँ पे मटोर में ये, तो लोग सबसे ज़्यादा यहाँ ही आते हैं। मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है वीडियो शूट करते हैं, क्योंकि इसका फ्रंट कैमरा है जो ख़राब हो चुका है, बट बैक कैमरे से थोड़ा बहुत शूट कर रही हूँ। तो आप लोगों को मैंने दिखाया भी नहीं था स्टार्टिंग में, तो चलिए चलिए पूजा वगैरह। और आप सभी को मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी शिवरात्रि एंड ऑल ऑफ यू।